वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे तो यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान रखिए हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल मेरा नाम सुमेधा ग्वेरी है और इन्वायरमेंट के सेशन में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था जो वेरियस इंस्टीट्यूशन है किसके रिलेटेड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमने उन सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में वो कहाँ कहाँ पे हैं उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं कब स्थापित किए गए किन के द्वारा स्थापित किए गए किन मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं और किस ऑब्जेक्टिव सेटैब्लिश किए गए इस सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट पर्यावरण से रिलेटेड एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ठीक है उन सब चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन ठीक है सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है ठीक सबसे पहला है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा स्टूडेंट्स दिया गया था कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल पिरामिड का किसके द्वारा चार्ल्स एल्टन के द्वारा फिर नेक्स्ट है द शॉर्टर द फूड चेन द डैश विल बी द अवेलेबल एनर्जी जितना फूड चेन शॉर्टर होगा उत, उतना क्या होगा ज्यादा होगा क्या अवेलेबल एनर्जी द मोर द अवेलेबल एनर्जी विल बी फूड चेन जितना शॉर्टर उतना ज्यादा एनर्जी होगी अब फूड चेन बहुत बड़ा हो गया ये इनसे इनसे ट्रांसफर इनको इनसे ट्रांसफर इनको इनसे ट्रांसफर ऐसे जितनी लंबी चेन उतना कम एनर्जी ठीक जितनी शॉर्टर फूड चेन रहेगी उतना ज़्यादा क्या होगा एनर्जी अवेलेबल रहेगी ठीक है फिर आ जाते हैं थर्ड पे फोटोसिंथेसिस ऑकर हाईएस्ट एट फोटोसिंथेसिस कितने डिग्री टेम्परेचर पे हाईएस्ट होता है तो तीस डिग्री सेल्सियस पे फोटो क्या होता है हाइएस्ट होता है ठीक है फिर आ जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट जो कि टाइडल फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिड्यूस फॉरेस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री इज फाउंड इन इंडिया कहाँ पे फाउंड होता है इन तीनों का कॉम्बिनेशन मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैनग्रोव फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसीड्यूस फॉरेस्ट इन तीनों का कॉम्बिनेशन भारत में कहा पाया जाता है तो अंडमान निकोबार आइलैंड में ठीक है कहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाया जाता है आपका मैनग्रोव एवरग्रीन डेसिड्यूस या फिर टाइडल एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट का कॉम्बिनेशन ठीक है फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे लार्जेस्ट एरिया ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इस कौन सा है सबसे ज़्यादा एरिया किस टाइप के फॉरेस्ट का है भारत में तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट का किसका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा एरिया पाया जाता है पूरे भारत में फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे इन व्यू ऑफ द रैपिड पेस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इन ग्रासलैंड दिस बायोम इज कॉल्ड ऐसे बायोम को क्या कहते हैं जिसका क्या है रैपिड पेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो किसमें में ग्रास लैंड में तो स्टोर ऑफ द फ्यूचर ऐसे बायोम को क्या बोलते हैं स्टोर ऑफ द फ्यूचर बोलते हैं ठीक है फिर आ जाते हैं द ऑयल स्प्रेड ऑन द वॉटर सरफेस वो तेल जो कि वाटर सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं ऑयल सिंक बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑयल सिल्क फिर आ जाता है नेक्स्ट पे रेड डाटा बुक फॉर इंडियन प्लांट्स इज पब्लिश्ड ऑन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक फॉर इंडियन प्लांट्स सबसे पहले तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किस से रिलेटेड है तो इंडियन प्लांट से रिलेटेड है किससे भारतीय पौधों से इंडियन प्लांट से, से रिलेटेड है रेड डाटा बुक वो किस में पब्लिश की गई थी तो पब्लिश की गई थी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई थी हमारी रेड डाटा बुक जो कि रिलेटेड है इंडियन प्लांट्स से भारतीय पौधों से ठीक है फिर आ जाता है नेक्स्ट पे द ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान किसका ड्यूरेशन थर्ड वाइल्ड लाइफ नेशनल एक्शन प्लान का ड्यूरेशन कितना था या फिर कितना है तो 2017 से लेके 2031 तक इतना लंबा ड्यूरेशन है किसका हमारे तीसरे नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का कितना ड्यूरेशन है 2017 से लेके 2031 तक का है ठीक है फिर आ जाता है नेक्स्ट पे द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान वाज रिलीज फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारा पहला नेशनल एक्शन प्लान था वो कब रिलीज किया गया था 1982 1982 में रिलीज किया गया था ठीक है क्या नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान पहला पहली ठीक है फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क को और क्या बोलते हैं इज नोन एज टॉप टॉप स्लिप स्लिप बोलते क्या बोलते बोलते क्या हैं हैं इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज नोन एज टॉप स्लिप ठीक फिर आ जाता है नेक्स्ट पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइजेस ऑफ टू नेशनल पार्क वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो दो नेशनल पार्क से मिलके बनता है कौन कौन से वो दो नेशनल पार्क हैं जिनसे हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनता है वो है बांदीपुर नेशनल पार्क और नागर होल नेशनल पार्क किससे मिलके बनता है बांदीपुर नेशनल पार्क और नागर होल नेशनल पार्क से मिलके बनता है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड आगे जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग